आप में से कौन कौन रेसिपी डायरी मेंटेन करता है और कुकिंग करते वक्त इस तरीके से उस पर हल्दी लाल मिर्च सब तेल सब लग जाता है। मुझे तो डायरी मेंटेन करना बहुत पसंद है और मैं उसी से रेफ़र करके आज दोबारा अपना बिरयानी मसाला जो है बना रही हूँ। इसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। से ये देखिए मेरा बन गया है बिरयानी मसाला जो आपने अभी शॉर्ट्स देखे, मैंने बहुत सारा बना के रख लिया, मेरा ना खत्म हो गया था तो इसलिए मैंने खूब सारा बना लिया। और इसलिए भी मैंने खूब सारा बना लिया क्योंकि आज मैं 10 किलो चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। मैं एक्चुअली ये मैं खुद को भी चैलेंज कर रही हूँ, मैंने इतना ज्यादा कभी नहीं बनाया। हाँ 5 kg तक मैंने बनाया है लेकिन 10 kg चिकन है और उसके साथ अराउंड 8.5 kg ऑफ राइस होगा, तो वो पूरा बन के कितना हो जाएगा पता नहीं। तो मैं अलग अलग वेसल्स में जो है उसे असेंबल करूंगी और मैं कल लेके जाऊंगी शोएब की शूट पे। एक्चुअली क्या है ना कि सेट पर से शोएब की शूट की पूरी टीम से बहुत फरमाइश आ रही थी कि आपके घर की बिरयानी खानी है, बिरयानी खानी है। तो मैंने बोला कि अगर कोई इतने दिल से मांगे और ना दें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने बोला कि चलो लेट्स डू इट, आई एम श्योर अच्छी तो बनी जाएगी। सो अभी हो गया है काफी कुछ, तो मैंने सोचा है कि मैं चिकन जो है सालन जो है वो अभी रात में रेडी करके फ्रिज में डाल के रख दूंगी और फिर जो राइस बनाना है और जो दम देना है वो सब मैं सुबह जल्दी उठ के करूंगी ताकि मैं 12 बजे तक लेकर के चली जाऊं। ये देखिए ही लव्स टू टॉक नाउ। किससे बातें हो रही है? किससे बातें कर रहे हो आप? मूड में आ जा बातें करने। ये क्या है भाई आज? बस और करनी बात है और करो। आराम से बेटा, ठसका लग जाएगा। हो गई है अगले दिन की सुबह और कल मैंने चिकन जो है पूरा रेडी करके रख लिया था और चावल भिगो दिए थे और आज सुबह उठ के फटाफट जो है चावल बॉईल करने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। हमको लगभग 12:30 तक घर से निकलना है, सो वी हैव टाइम, वी आर वेरी मच इन टाइम एज ऑफ नाउ। मुझे ना बड़ी एंग्जाइटी सी हो रही है, इतना सारा बना है पता नहीं स्वाद सही होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं। हालांकि कल रात को डिनर के नाम पे मैंने थोड़ा सा चिकन और चावल खाए थे तो सही लग रहा था। एनीवेज सो मैंने ये इस वाले में फर्स्ट लेयरिंग ऑफ चावल हो गया है, इसके नीचे चिकन है यहाँ पे ये। सो माई एम इज़ कि अब जैसे इसको मैंने डिवाइड कर लिया, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें पतला ले मतलब इस बर्तन के हिसाब से इसमें लेयर डाला है, इसके ऊपर राइस आएगा, ये दम लग जाएगा, तो एक छोटा एक बड़ा। और ऐसे ही इसमें भी चिकन है तो ये एक बड़ा और एक ऐसा वाला सेम मेरे पास वेसल है वो बनाऊंगी। सो दिस इज द प्लान एज ऑफ नाउ, लेट्स सी। देखो मम्मी मम्मी अम्मी देखो ये देखो सुबह सुबह की मस्ती नानी और दादी दोनों के साथ। दूध पी ले। ओए देखो ओए खड़ा करो फिर देखेंगे। ओए रूहान किसके साथ मस्ती कर रहे हो? सो ये चारों देग रेडी हो गए हैं मेरे बिरयानी के, प्रॉपर चावल भी एकदम अच्छे बन गए हैं। अब इनको दम देने की तैयारी कर रही हूँ, ऊपर से सब कुछ डाल दूँगी, सबको एक साथ पैक कर दूँगी अभी मैं और फिर एक एक करके जो है दम देना स्टार्ट कर दूँगी। अभी इतना वक्त है कि टाइम से फिर सब कुछ हो जाएगा और उसी तरीके से मैं साथ में ले जाऊँगी। तो केसर का दूध हो गया, हरी मिर्च हो गई, यहाँ मैं फूड कलर डाल रही हूँ, फिर नींबू का रस डालूँगी, फ्राइड अनियन ऊपर से डालूँगी, हरा धनिया डालूंगी और बस दैट्स इट, ऑल डन। ये बन रही है मेरी चाय, आज मैं खाऊंगी चाय पराठा। और ये मैंने दम पे एक देख डाल दी है, यहाँ पे मेरी रबड़ी भी रेडी हो गई है।
सो मी बीइंग मी ऑब्वियसली मैंने एक लास्ट चांस ऐसे रखा था कि अगर वक्त मिला और अगर सब कुछ सही से प्लान के मुताबिक चला तो मैं शाही टुकड़ा भी ले जाने की कोशिश करूंगी. और अभी हमारे पास पूरा एक घंटा है तो आराम से शाही टुकड़ा बन जाएगा क्योंकि रबड़ी रेडी हो गई है. रबड़ी रेडी होने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है. चाशनी मैंने रेडी कर दी है. अभी धर्मदारा फटाफट ये ब्रेड काट दिए इन्होंने. अभी इसको फ्राई करते जाएंगे चाशनी में डिप करके वो डब्बों में सजाते जाएंगे और फिर हम तब तक रबड़ी फ्रीज कर लेंगे. और अभी मैं जाके रायता बना लेती हूँ क्योंकि एक देग यहाँ पे दम के लिए लगा हुआ है और एक दे दिया है नीचे मम्मी के घर. रायता ना हो तो बिरयानी का मज़ा नहीं आता. इसे यहाँ मैंने 6 किलो दही लिया है उसका रायता बन रहा है. मैं नहा के और ये देखिए यहाँ पे इसकी भी गुड मॉर्निंग हो गई है. बड़ा कोऑपरेट किया इसने. एक्चुअली इसको अपनी फेवरेट ये मिल जाती है ना जगह मम्मी की गोदी में ऐसे एकदम कोजी होके सो जाता है तो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया. सब कुछ रेडी हो गया है, पैक हो गया है. मैं दिखाती हूँ आपको. ये शाही टुकड़ा का ब्रेड फ्राई हो गया है. रबड़ी पैक हो रही है. ये रहा रायता. ये इतना सारा हमने रायता ले लिया है. ये हो गए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो मैं जब शाही टुकड़ा असेंबल करूँगी तो उसके ऊपर से डाल दूँगी. ये टमाटर और नमक, काला नमक मैंने अलग से लिया है. अभी रायता में नहीं डाला वरना वो पानी छोड़ देता है और टमाटर की अजीब सी स्मेल आ जाती है. ये मैंने सेफ साइड थोड़े डिस्पोजल्स रख लिए अगर किसी को रायता के लिए चाहिए हो या शाही टुकड़ा के लिए चाहिए हो. प्लेट्स तो वैसे वहाँ पर होंगी ही. और ये स्पून रख लिए हैं, ये एक्स्ट्रा डब्बे रख लिए हैं. और बिरयानी को लग गया है दम. मुझे देख रहा है. और हम अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने और दादा गए हैं गाड़ी साफ करने. उसके बाद फटाफट निकलेंगे. पापा आते हैं. टीवी देख रहा हूँ. वो यहाँ आते हैं टीवी देखने लगता है. रुहान, रुहान, ये देखो वो टीवी बहुत है. रुहान चलो आते चलो सब हो गया. अब हम लोग चलते हैं अम्मी से मिलते हैं फिर नीचे चलते हैं. यस यस चलो. चलो आते हैं हम. ठीक है हाँ, दुआ कर लेना बिरयानी सही बनी हो. नहीं शाही टुकड़ा भी बना लिया. हाँ ठीक है अच्छा किया. थोड़ा मीठा भी. हाँ भाई नहीं तो वो अधूरा लगता. सही नहीं. अल्लाह हाफिज़. चलो अल्लाह हाफिज़. चलो 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 चलो. हम लोग निकल ही रहे थे और अभी जस्ट यहाँ पे मुझे चप्पल फील हुई कि टूट गई. चलो फिर हम निकलते हैं जल्दी से आ जाओ. निकल गए हम लोग. बस अभी हाफ वे थ्रू हो गया है. थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे निकल गए. और ये देखिए गाड़ी में किस तरीके से पूरी गृहस्थी जो है मैंने रखी हुई है. यहाँ पे रुहान का सामान भी है, वहाँ पे उसका कैरियर भी है और पीछे सब कुछ है. तो दादा और मैं ऐसे चेकलिस्ट कर रहे थे कि हमने सब ले लिया है तो बोला कि यस. और ये देखिए इसने भी अपनी नींद ले ली है ना. अपना फीड भी ले लिया है, अपनी नींदी भी पूरी कर ली है. तेरी अच्छी दे रहा है. और अब भी जस्ट उठा है. जैसे ही निकलने वाले थे वैसे ही सभा आई और उसकी चप्पल टूट गई तो वो वापस गई है चेंज करने के लिए. ओ फिर हम मिलते हैं. ए गुगू आते आते गुगू. पहुंच गए शोएब के सेट पे, यानी झलक के सेट पे. और मैं रूम में जाके सेटल हो गई मम्मी और रुहान और सबा के साथ. और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से एक एक करके ये हम पूरा बिरयानी का और मीठे का सेटअप यहाँ ले आए हैं. और बिना टाइम वेस्ट किए मैंने पहले सोचा कि रायता सब रेडी कर देती हूँ तो मैं नमक और टमाटर जो मैंने नहीं डाला था वो हर डब्बे में मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे. और ये दे दो वहाँ पे सबके पास है ना. ये चला जाएगा प्रोडक्शन में और ये यहीं रखते हैं. आर्टिस्ट हो गया, कोई छूट गया, कुछ भी हुआ हम लोगों के लिए हुआ. सारी बढ़ जाएगी हम सब लोग चुपचाप भी बैठे हैं कि पहले सबको मिल जाए. निकू ने मुझे पहले ही बोल दिया मैम मैंने सर के लिए खाना नहीं मंगाया. तो ये हमारे लिए रखते हैं. ठीक है निकू ओके चलो. अब खुश है. अब सही. अब तसल्ली मिली. नहीं नहीं मतलब सर के लिए मैंने नहीं मंगाया इसलिए बिरयानी देखेंगे. बिरयानी आ रहा है तो सर बिरयानी आज खाएंगे. चलो जल्दी ये पकड़ेंगे. ये वो लिख लेंगे. किसको तीनों ले चलना ना. नहीं ये चलिए. ओ देखो बोला. बाय बाय.
अब रिलैक्स रहेगा ना, अब एंजॉय करोगे। अब तो हाँ, अब रिलैक्स। चल भाई। So, हो गया है शोएब का परफॉर्मेंस और अभी हमने चाय भी पी ली है और ये भी उठ गए हैं। तो अभी हम लोग हैं निकलने के लिए रेडी और ऐसे ही गाड़ी का वेट करते बात कर रहे थे तो भैया तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और सनी के मेकअप स्किल्स की दाद देनी पड़ेगी। भाभी उसने ऐसा बुरा मेकअप किया फिर भी सब तारीफ कर रहे हैं कि सनी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं वो देख देख के जो हंसी हूँ जो, और उस इतने प्यार से यहाँ पे भी वो बनाया हर चीज इतने प्यार प्यार से ही। मतलब सब लोग कह रहे हैं कि क्या बना दिया है लेकिन फिर भी तारीफ हो रही है उसकी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके बहुत अच्छे है कि बस के अम्मी लोग भी उसके सामने झूठ झूठ तारीफ करने लगे। मैंने कहा आप लोग दमाद समझ के ऐसे कर रहे हो, बहुत बुरा किया उसने। तो क्यूट लग रही थी क्यूट लग रही मुझे रिएक्शन लेने आना चाहिए था लेकिन मैं बहुत रात में शूट किया था फिर नहीं आने। आपका बैग अब मैं ले लूं? बहुत भारी इसमें क्या डालते हैं? देखो ऑलरेडी भारी होता था और अब तो फिर रोहन हो गया वही हर चीज, चाहे मैं सिंगल थी फिर शादी हो गई अभी माँ बन गई, एक चीज जो मेरी कंसिस्टेंट है वो है बैग का वजन और बैग के अंदर का कचरा। नहीं लेती हूँ, नहीं आदत है ये ना, आप एक काम करिए जिम में रख दीजिए। अगला दिन एक्चुअली अगले दिन की शाम हो गई है, यू नो ट्यूजडेज आर लाइक संडेज फॉर अस अभी जब से शोएब का झलक का शूट शुरू हुआ है, क्योंकि वो पूरे हफ्ते बहुत बिजी रहते हैं और ट्यूजडे यूजुअली उनका ऑफ होता है तो इसीलिए हम लोग एकदम लेजी जोन में चले जाते हैं, लेट उठते हैं। पता नहीं ऑटोमेटिकली रूहान भी उस दिन बड़े लेजी जोन में होता है, उठेगा मस्ती करेगा सो जाएगा, फिर उठेगा फिर मस्ती करेगा फिर सो जाएगा, तो वो तो नॉर्मल डेज में भी वही करता है ना। आई थिंक हम उस दिन उस जोन में होते हैं इसलिए वो ऐसे लगता है। एनीवेज कल बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया सेट पे शूट पे एंड सबको बिरयानी बहुत अच्छी लगी और मैंने जो चीज़ टारगेट की थी वो मैंने अचीव कर ली। मुझे बहुत यू नो मुझे बड़ा मज़ा आया कल, बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई थिंक दैट्स माई लव फॉर कुकिंग। आप सबको पता है कि मैं कुकिंग को लेके कितनी ज़्यादा पैशनेट हूँ और मुझे लोगों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। यू नो जब हम लोग बिग बॉस कर रहे थे ना तब हर फ्राइडे को सलमान सर के घर से खाना आया करता था, एवरी फ्राइडे, बिकॉज हम तब लोनावला में हमारा सेट था, हम ना उस दिन के लिए लॉन्ग किया करते थे कि घर का खाना आएगा एंड वो इतने उसमें इतना प्यार होता था ना उस खाने में, इतनी वैरायटी आया करती थी वेज वालों के लिए भी नॉन वेज वालों के लिए भी, देयर इज़ टू बी अ स्टार्टर, देयर इज़ टू बी प्रॉपर दो तीन वैरायटी ऑफ नॉन वेज, दो सब्जी दाल एंड देन देयर वुड बी रायता, एवरीथिंग इन मतलब पूरा कंप्लीट। एंड वो इतने प्यार से एपिसोड के एंड में हमसे पूछते भी थे कि गाइस अजी भेजा था आई होप यू लाइक्ड इट, तो वो इतना अच्छा लगता था ना, सो दैट इज़ वन मेमरी that I've always carried off Big Boss ki, you know, itne pyar se hamare liye unke ghar se khana aaya karta tha and I think food is one way which connects you very well. Aur mujhe bahut acha lagta hai jab Shoaib ko unke set pe log hak se bolte hain ki aapke ghar ka ye khana hai, aapke ghar ka wo khana hai, to it's love. इट्स नाइस अच्छा लगता है जब कोई हक से आपको बोलता है फिर वो याद रखा जाता है कि अरे हाँ इनके घर का खाना बड़ा मज़ेदार होता है यार, अरे हाँ, तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज ट्राई कि शोएब के यहाँ से सेट से कभी भी कोई भी फरमाइश आए तो मैं उसे डेफिनेटली पूरी कर, या वैसे भी कोई भी चाहे वो घर पर कोई हो या फ्रेंड्स में से कोई हो, लड़के हो, कोई भी आके जब हक से बोलता है ना कि हाँ भाभी ये बनाओ ना आपके हाथ का ये खाना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड विद अ लॉट ऑफ लव आई मेक फूड। और अभी आई कांट वेट फॉर रूहान टू ग्रो अप, क्योंकि आई एम श्योर उसकी अपनी पसंद नापसंद होगी कि अम्मी हाथ का ये अच्छा लगता है ये नहीं अच्छा लगता है, फिर उसके फ्रेंड्स होंगे वो आएंगे उनके लिए, मैं कहाँ पहुँच गई मैं। हाँ जी आ गए। हाँ जी मैं बोल रही थी कि हमारे लिए आजकल ट्यूजडे संडेज बन गए हाँ, जब से आपका झलक शुरू हुआ है, तो आपको कैसी लगी कल की बिरयानी? बहुत अच्छी, और मुझे नहीं सबको बहुत अच्छी लगी, तुम तो लाइक देखे चली गई थी
मेरा परफॉर्मेंस देखने के बाद, तो उसके बाद जो जो मुझे मिला है ना, स्पेशली लाइक प्रोडक्शन में से जिन्होंने भी खाई है, सब ने आके बहुत तारीफ करी है, सब ने आके बोला कि बहुत अच्छी बिरयानी थी, बहुत अच्छी बिरयानी थी भाभी को बोलना, बहुत अच्छी बिरयानी थी, सबको बहुत अच्छा लगा। एंड शाही टुकड़ा सब ने खाया, स्पेशली सारे कंटेस्टेंट ने, तो स्पेशली सब ने बोला है, चाहे वो अंजलि हो, चाहे वो संगीता हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो विवेक हो, झलक जो वहाँ पे FMC में, हर एक उसने बोला है कि बहुत अच्छा, मतलब कोई तो बिलीव ही नहीं कर रहा था कि तुमने बनाई है, क्योंकि शाही टुकड़ा आपके लिए भी सरप्राइज था, आपको नहीं पता था। हाँ, शाही टुकड़ा मेरे लिए सरप्राइज था, और मैं गया खाने के लिए कि वहाँ पे मैं भी खाऊं, लेकिन खत्म हो गया था, लेकिन फिर एक बचा हुआ था तो वो झलक लेने वाली थी, फिर बोलते नहीं आप खाओ खाओ, मैंने खाया है, आप खाओ, तो मैंने खाया। इन्होंने तो बिरयानी भी रात को यहाँ आके खाई है, क्योंकि जब परफॉर्मेंस होता है ना तो उस टाइम पे नहीं समझ में आता है, वो अंदर एक एंजाइटी सी होती है, जितना भी आप काम कर लो, कुछ भी करो, लेकिन वो जो एक स्टेज फियर होता है ना, वो सब में होता है, मुझ में तो है, स्पेशली तुम में भी है, मैंने नच बलिए में नोटिस किया, मुझको ज्यादा ही है। वो जब तक सुबह से बैठ के जब तक वो परफॉर्मेंस हो नहीं जाता है कि अच्छा अब होना है, कब होगा, कब हाँ। होगा, कब होगा, अच्छा अब होना है, तब तक वो एक स्टेज फियर, वो एंजाइटी सी होती रहती है कि सब अच्छा हो जाए, क्योंकि हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उस 2.5 मिनट में जो होता है ना, वही मैटर करता है, और कभी कभी गड़बड़ें हो जाती हैं, क्योंकि एक साथ लाइव जब आप एक वन टेक में आप चीज़ें करते हो तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो मैं सबसे ज़्यादा डर उसका था कि गड़बड़ ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, तो बस यही था। एंड जैसा भी हुआ है परफॉर्मेंस, वो आपको नेक्स्ट वीक पता चलेगा। चलो ठीक है, मैंने अपनी तारीफ करा ली। इतनी ज्यादा बिरयानी, हर इंसान सुन के पहले शौक था कि 4 देग लाई है भाभी बना के, और घर में बनाई है, मैंने कहा सब घर में बनाई है। तो ये ब्लॉग मैं इसी नोट पे यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा लव फॉर कुकिंग अच्छा लगा हो, एंड आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग मेरी तरह मैड होंगे कुकिंग को लेके, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और इस ब्लॉग को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग से, लव यू ऑल।